आज बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 15 साल से 18 साल के बच्चों को आज वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा, साथ ही उन्हें वैक्सीनेटेड किया जाएगा। महाराष्ट्र में किशोरों की टीकाकरण की तैयारियां पूरी। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे मुंबई में टीकाकरण के लिए वीकेसी वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन आज करेंगे। मुंबई में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने वीकेसी जंबो कोविड सेंटर शुरू किया। 25-25 के समूह में आएंगे किशोर। हर दिन 500 लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाएगा। मुंबई के नेस्को जंबो कोविड टीकाकरण केंद्र पर तैयारियां पूरी। आज से 15 से 18 साल के किशोरों को टीका लगेगा, साथ ही कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। मुंबई में लगभग तैयारियां पूरी हैं। कुल 9 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के सुभाष नगर में सुभाष स्कूल में किशोरों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। तो वहीं 15 लाख वैक्सीन लगाने का आज लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में भी टीकाकरण की तैयारियां लगभग पूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे आज देहरादून में किशोरों के वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यूपी में भी आज से लगेगी किशोरों को वैक्सीन। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9 बजे लखनऊ के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन की समीक्षा करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज सुबह 10 बजे पटना के आईजीआईएमएस के बच्चों की टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहेंगे वहां मौजूद। जरूरी है सबको वैक्सीनेशन लेना क्योंकि अपनी सेफ्टी है। मैं वैक्सीन ट्रायल में पार्ट लिया और उसमें कोई डर और कोई दर्द नहीं हुई। दिल्ली में 159 सेंटर्स पर किशोरों को लगेगी वैक्सीन। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने जारी की सूची। तिलक नगर में एक वैक्सीनेशन सेंटर को एनिमेशन और कार्टून की थीम पर सजाया गया है। 12 से 18 साल के लिए अप्रूव हुआ और अभी रोल आउट 15 से 18 साल के लिए होगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को क्या पसंद है उनको मोटिवेट करने के लिए इस वैक्सीनेशन सेंटर में ये सब चीजें लगाई गई। हिमाचल में आज से 4.5 लाख किशोरों को लगेगी कोरोना की कोवैक्सीन। 2,80,000 वैक्सीन उपलब्ध। 15 जनवरी तक सभी किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का रखा गया है लक्ष्य। 15 जनवरी तक इस कार्य को हम संपूर्ण कर लेंगे। 2,80,000 डोजेज जो हैं इसके लिए जो है हमको प्राप्त हो गई हैं। 2 पश्चिम बंगाल और असम गुजरात में भी किशोरों की टीकाकरण की विशेष तैयारियां की गई हैं। असम और गुजरात में 9 जनवरी तक विशेष अभियान। गुजरात में एक हफ्ते में 36 लाख किशोरों को टीका लगाने का रखा गया है लक्ष्य। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राज्यों से टीकों की घालमेल से बचाव के उपाय करने की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस की जारी। 15 से 18 साल के किशोरों को केवल कोवैक्सीन ही दी जाएगी। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में 11,800 से ज्यादा केसेस। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 8,063 मरीज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 50 नए मरीजों की हुई पुष्टि। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत का बड़ा बयान। आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य में शिक्षण संस्थाओं को बंद या फिर खुला रखने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 3,194 कोरोना मरीज सामने आए। दिल्ली में संक्रमण दर 4.59% हुई। दिल्ली में कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर दिल्ली सरकार है तैयार। बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें, जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है।
बंगाल में एक दिन में 6153 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि, सरकार का बड़ा फैसला। आज से स्कूल, कॉलेज, स्पा, सैलून, जिम और फिटनेस सेंटर बंद। दिल्ली और मुंबई से 5 जनवरी से हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को ही बंगाल जाएंगी फ्लाइट्स। गुजरात में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 968 नए केस आए सामने। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 396 मरीज। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राज्य के नाम संबोधन, बोले तीसरी लहर आ गई है, मुकाबले के लिए फिर से तैयार होना है, दूसरी लहर जैसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव, टीएस सिंहदेव ने खुद को घर में किया आइसोलेट। उत्तराखंड के सुयाल बाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल समेत 82 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप, संक्रमित छात्र छात्राओं को अलग हॉस्टल में किया गया आइसोलेट। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 17 जूनियर डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप, सभी डॉक्टर एनएमसीएच के अलग अलग वार्ड में कर रहे थे काम। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, तेजी से बढ़ेंगे ओमिक्रोन के केस, तीसरी लहर के पीक पर रोज आएंगे 2 लाख से ज्यादा मामले, टीका लगवाने वाले भी होंगे संक्रमित लेकिन जानलेवा नहीं होगी तीसरी लहर। एक तो संख्या बढ़ेगी काफी तेजी से और अधिक बढ़ेगी, लेकिन शायद उसमें अधिकतर लोगों को एक हल्का कफ कोल्ड फ्लू होके ठीक हो जाएंगे, तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते कोरोना के केसेस चलते सुप्रीम कोर्ट में आज से 2 हफ्ते तक वर्चुअल सुनवाई, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई होगी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, तीसरी लहर के रोकथाम, बेड और ऑक्सीजन से जुड़ी पूरी जानकारी ली। सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है, जितने भी लोग आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसके इलाज भी लगातार चल रहा है। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा का आज लखनऊ में समापन, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल, दोपहर करीब 3:30 बजे करेंगे संबोधित, शाम 5 बजे संगठन की बैठक में भी होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, अमेठी में भी रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मुद्दों पर कर सकते हैं बातचीत। आम आदमी पार्टी का आज मिशन उत्तराखंड, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का देहरादून दौरा, नव परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत, रैली को संबोधित करेंगे, कर सकते हैं 5वीं गारंटी का ऐलान। बापू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कालीचरण की जमानत पर आज सुनवाई, रायपुर की अदालत ने 31 दिसंबर को कालीचरण को 13 जनवरी तक जेल भेजा है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण मामले के आरोपी पुलिस अधिकारियों को मिली अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बड़ा बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल की संभावना, कहा सीएम उद्धव ठाकरे को अगर स्वस्थ होने में समय लग रहा है तो उन्हें एकनाथ शिंदे को प्रभार सौंप देना चाहिए। पीएम मोदी के काफिले में शामिल मर्सिडीज को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का निशाना, बोले पीएम मोदी काफिले में 12 करोड़ रुपए की कार के बाद फकीर होने का दावा नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी पर जमकर बरसे, एनसीबी अधिकारियों पर पिछले 1 साल में झूठे केस और फर्जी गवाह बनाने के आरोप लगाए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, उनकी पत्नी साधना सिंह भी साथ में मौजूद थे।
जोहान्सबर्ग के वॉन्डर स्टेडियम में आज से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच। एक दिन पहले दोनों ही टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।